अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोकर अंसारी। योगी सरकार ने महिलाओं को दी यात्रियों की जान की जिम्मेदारी। दरअसल अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं भी बस में ड्राइविंग कर रही हैं। एक ड्राइवर के पास यात्रियों की जान की जिम्मेदारी होती है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और योगी सरकार ने ये जिम्मेदारी महिलाओं को भी सौंप दी है। और ऐसी महिलाएं सिर्फ मेरठ से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, दूसरे स्टेट की महिलाएं भी उत्तर प्रदेश में आकर बस चालक की नौकरी कर रही हैं। ऐसे ही बिहार की रहने वाली एक बस चालक प्रियंका से हमने बातचीत की। देखिए प्रियंका ने फर्स्ट बाइट टीवी को क्या जानकारी। अपना नाम बताएं। प्रियंका शर्मा। प्रियंका, क्या करती हैं आप? सर अभी तो फिलहाल रोडवेज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक की बस चला रहे हैं अभी? बस अभी ड्यूटी सर नहीं मिल रही है, 3 महीने की अभी हमारी और ट्रेनिंग बची है। अच्छा, तो यार हम साहब बोले हैं कि 1 अप्रैल से आपको रूट पे भेजा जाएगा। अच्छा, जब आपकी 2 साल लाइसेंस पूरी हो जाएगी तो। अभी हाल फिलहाल ट्रेनिंग में कहाँ तक चला लेते हैं? चलाने का तो सर को हम भी से मेरठ भी जाते हैं, बरेली भी चले जाते हैं, ऋषिकेश भी जाते हैं, देहरादून भी जाते हैं जी। लेकिन एक महिला हैं आप, और ये भी पता चला है कि आपके पति बीमार रहे पहले, वो क्या करते थे उनके लिए? वो सर पहले दिल्ली में काम ही प्राइवेट करते थे, उनकी दोनों किडनी खराब हो गए, फिर वो खत्म हो गए 2016 में। तो हमारे पास 2 बच्चे सर थे, लड़का ही लड़का था। फिर हम ट्रक में हेल्परी करे 4 साल तक, तब फिर हम ट्रक ड्राइवर बने। उसके बाद फिर वैकेंसी निकली 2020 में योगी जी के तरफ से और मोदी जी के तरफ से, तो उसी में हम फॉर्म भरे थे। तो 2022 में हमारी फिर सिलेक्ट हुई, तो फरवरी को कानपुर में हमें प्रधानाचार्य जी ने 3 महीने की वहाँ ट्रेनिंग दी है मई तक। तब मई के बाद फिर हमारी सितंबर में 1 सितंबर को ज्वाइनिंग लेटर कौशाम्बी। कौशाम्बी गाजियाबाद साहब जी। तो अब कैसा लग रहा है, जीवन बदल गया है? योगी जी और मोदी जी को कुछ कहना चाहोगे? योगी जी मोदी जी को यही कहना चाहूँगी कि सर हमारे एक बेसहारे औरत की रेगुलर में ही लिया जाए। कोई तो कह रहे हैं कुछ है नहीं, कोई कह रहे हैं संविदा पे ही है, कोई कह रहे हैं मैडम ये बेकार आप आ गए हो। पर मैं फिर भी योगी जी मोदी जी से हिम्मत रख के यही कहूँगी, सर हम जब विभाग में आए हैं तो विभाग के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। अधिकारी भी हमारे एआरएम साहब फोरमैन जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद भी देते हैं हर एक चीज से। योगी सरकार के इस फैसले से साफ होता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। उदाहरण आप देख ही चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।